स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब शराब का कबाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। आबकारी विभाग हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। जबलपुर के नर्मदा घाटों में मध्य प्रदेश शासन के आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है, जहां मध्य प्रदेश शासन ने नर्मदा घाट के किनारे मदिरा का सेवन व बिक्री पर रोक लगा रखी है। वहीं धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है और लोग नर्मदा घाटों पर मदिरा का सेवन करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे ही कई वीडियो पूर्व में सामने आ चुके हैं, लेकिन शायद आबकारी विभाग की नाकामी की वजह से शराब माफिया फल फूल रहे हैं, जिसका विरोध मध्य भारत मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज हाथों में शराब की बोतलें लेकर एवं हाथ में मिट्टी के बर्तन से भरे पैसे लेकर आबकारी विभाग के ऑफिस का घेराव किया एवं उन्हें चेताया कि अगर जल्द से जल्द बड़ी कार्यवाही शराब बिक्री को लेकर नहीं की गई तो मध्य भारत मोर्चा एक उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं आबकारी विभाग प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है और कड़ी का रवैया नर्मदा घाटों के किनारे निरंतर की जाएगी, उन्हें ऐसे आंदोलन की जरूरत नहीं होगी। इनकी आज मध्य भारत मोर्चा द्वारा आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कि उन्होंने ज्ञापन में बताया गया कि ग्वारी घाट क्षेत्र में अवैध मदिरा निरंतर बिक रही है और कई जगह बिक रही है, कई घरों में बिक रही है। लेकिन मैं ये कहना, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आबकारी विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाती है। अभी तक उस क्षेत्र में 35 केस बनाए हैं, 2 धारा 34(2) के अंतर्गत केस बनाए हैं, 3 स्कूटी जब्त की हैं और कुल 149 हाथ भट्टी बल्क लीटर मदिरा एक और 1061 देसी पाव जब्त किए गए हैं। निरंतर इन लोगों की अब आज शिकायत करने के बाद कार्रवाई में और तेजी लाई जाएगी और पुख्ता और सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सर शासन के सख्त निर्देश है कि नर्मदा, हाँ नर्मदा क्षेत्र में नहीं बिकेंगी, इसके बाद से और लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये मध्य भारत मोर्चा को मैं आश्वस्त करता हूँ। रूट किस तरफ आ जाओ, पहले भी हम लोग ये अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, थाना भी घेर चुके हैं, उसके बावजूद भी निरंतर वहाँ से अवैध शराब के वीडियो हमारे पास आ रहे हैं। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर प्रतिबंध है, उसके बाद भी अवैध शराब की बिक्री जोरों तोरों से चल रही है, जिसे लेकर हमने वीडियो वायरल कराए, न्यूज़पेपरों में विज्ञप्तियाँ जारी करी, उसके बाद भी आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई ऐसी कोई बड़ी। इससे ये पता चलता है कि या तो ये कमीशन के बोझ तले दबे हुए हैं या ये सुप्त अवस्था में सो रहे हैं, इस वजह से ये कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसे लेकर हम मध्य भारत मोर्चा के सदस्य हाथों में एक पौए की बोतलों की माला, एक मटकी में नोट रख के गुल्लक में और एक कार्टून में पाव रख के लायधन को देने की, ये कहो इसे देखकर चेत जाएं तो सो रहे हैं उठ जाएं, इन्हीं मांग को लेकर हम आए थे और हमारी ये मांग है कि जो अवैध शराब बिक रही है वो बिकना बंद हो। मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव, हमने अपने जीवन में इतने बेशरम और निर्लज्ज अधिकारी अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। हमने पिछले 2 साल से लगातार ग्वारी घाट तीर्थ क्षेत्र है, हमने 2-3 बार 3 बार 4 बार इनको वीडियो मुहैया कराए हैं, हमेशा ये पत्र इनके पूरे विभाग में, पूरे जितने न्यूज़ चैनल वो भी आते हैं, सारे न्यूज़पेपर इनके आते हैं, प्रतिदिन रोज़ न्यूज़पेपर में इस बात को लेकर छप रही है किस तरीके की गतिविधि ग्वारी घाट तीर्थ क्षेत्र में चल रही, उसके बाद भी ये नहीं चेत रहा है। कल हमारे द्वारा पुनः एक वीडियो घाट पर बनाया गया, जिसको आज हम मीडिया को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, जिसमें बकायदा दिख रहा है कि एक आदमी थैली में ले जाकर बकायदा एक-एक आदमी को पैसा लेकर दारू मार रहा है। तो इस तरीके की जो गतिविधि चल रही है उसके लिए हम अंकुश लगाने के लिए आए, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश शासन ने खुद नियम बनाया है कि 5 किलोमीटर के अंदर कोई भी नशेली पदार्थ नहीं बिकेगी, कोई भी शराब की दुकानें नहीं रहेंगी, उसके बावजूद भी इस तरीके की गतिविधि कई वर्षों से लगातार चल रही, और उसके बाद जो बेशरम निर्लज हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस चीज़ में कुछ नहीं देते, क्योंकि वो भी आए दिन न्यूज़ चैनल देखते रहते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी उन्होंने कभी इस चीज़ को ले लेके, चूँकि एक हमारे शहर के एक मंत्री यानी लोक निर्माण मंत्री जिनका की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भी है, उसके बाद क्या आपने उनको अवगत नहीं कराया? अरे क्यों नहीं कराया, हमने 200 बार कराया, वो हमारी फेसबुक आईडियों से भी जुड़े हुए हैं और आए दिन हम कह रहे हैं हमने नहीं बताया। आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, आपके 200 कार्यकर्ता हैं वहाँ पर ग्वारी घाट क्षेत्र के अंदर, आपके कार्यालय आप प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, आपके खुद के गुरुदेव का आश्रम है वहाँ पर, उसके बाद भी आपने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी, विभाग से किसी प्रकार की कोई बात नहीं बोली। जिस घर में पिछले दो
साल से लगातार दारू बिक रही है, उस घर पे भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वो घर भी अवैध बना हुआ है। आप लोग क्या माला अलग बना के लाए थे जी? आज हमने माला बना के लेके आई है, कार्टून में हमने दारू की बोतलें जो वहाँ से बीनी है बटोरी घाट से, वो दारू की बोतलें लेके आई है, ताकि ये जाँच करे कि दारू की बोतल किस ढक्के वहाँ के अंतर्गत है। और अगर आने वाले समय में अब जनप्रतिनिधि नहीं जागेंगे तो हम मध्य प्रदेश लेवल से लेकर जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सबका पिंडदान मैं खुद करूंगा, और वो भी खंडारी नाले में करूंगा, क्योंकि वो इसे योग्य नहीं है कि उनका पिंडदान नर्मदा जी में करा जाए। अधिकारी से कहा कि अगर इससे कार्रवाई नहीं तो आप यहां दफ्तर के सामने बिल्कुल मैं आत्मदाह करूंगा। अगर आने वाले समय में अब इनने पुख्ता कार्रवाई नहीं करी, अगर ये माफिया गिरी माफियाओं के साथ मिलकर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके जो पैसे लेते हैं उनके नीचे दबे हुए हैं, जे उनके भ्रष्टाचार में दबे हुए हैं, इसलिए जे किसी प्रकार की बड़ी कार्रवाई नहीं करते। आशीष मिश्रा, महासचिव, मध्य भारत मोर्चा। सौरभ दुलान बोलिए।